आज हम सीखेंगे अल्केन्स के बारे में। अल्केन्स क्या होते हैं पहले इसको जानते हैं। अल्केन्स आर हाइड्रोकार्बन्स इन विच ऑल द लिंकेजेस बिटवीन द कार्बन एटम्स आर सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड्स। अल्केन्स इस टाइप के हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जहां पर आपके कार्बन कार्बन एंड कार्बन हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। सिंगल बॉन्ड बनते हैं इन्हीं वजह से इनको अल्केन कहा जाता है। सिंगल बॉन्ड के फॉर्मेशन की वजह से ही इनको हम जो है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के नाम से भी जानते हैं। अगर इनके जनरल फॉर्मूला की बात की जाए तो वो होता है CnH2n+2। यहाँ पर n क्या है, n कोई भी नेचुरल नंबर है। 1 पुट करेंगे यहाँ पर तो CH4 हो जाएगा, 2 पुट करेंगे तो C2H6 हो जाएगा, 3 पुट करेंगे तो C3H8 हो जाएगा। इस तरीके से इसकी जो होमोलॉगस सीरीज है वो आगे बढ़ती रहेगी। इसको जो है पैराफिन्स के नाम से भी जाना जाता है। रिलेटिवली क्या होता है, बेसिकली आपके जो अल्केन्स होते हैं वो जो है वो फायर को कैच कर सकते हैं, फ्लेमेबल होते हैं। उनको अगर हम जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर का फॉर्मेशन होता है। मतलब ये जो है फ्लेमेबल होते हैं, लेकिन रिलेटिवली इनकी जो फ्लेमेबिलिटी होती है वो लो होती है, इस वजह से इनको पैराफिन्स के नाम से भी जाना जाता है। तो आइए इसकी अगर होमोलोगस सीरीज की बात करते हैं तो होमोलोगस सीरीज में पहला आता है मीथेन। मीथेन मतलब होता है CH4। CH4 के स्ट्रक्चर को देखेंगे तो यहाँ पर C के साथ जो है 4 सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन बना रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे, ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से, यानी कि ये अल्केन है। दूसरा है इथेन। इथेन मतलब C2H6 में बनाएंगे तो यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में इस टाइप का स्ट्रक्चर बन जाएगा। यहाँ पर सिंगल बॉन्ड, सब में सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, ये भी आपका अल्केन हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं, इसके बाद आएगा प्रोपेन। प्रोपेन मतलब होता है C3H8। इसका भी स्ट्रक्चर ये आपके सामने दे रखा है, इस तरीके से बन जाएगा। चौथा आएगा ब्यूटेन। ब्यूटेन C4H10। इसका भी स्ट्रक्चर इस टाइप से बन जाएगा। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात होगी, यहाँ पर क्या होगा कि ये ब्यूटेन जो है आइसो ब्यूटेन में भी कन्वर्ट हो सकता है, यानी कि यहाँ पर आइसोमेरिज्म की जो है प्रॉपर्टी हमको शो करने को देखनी पड़ेगी। अब हम सीखेंगे सोर्सेस ऑफ अल्केन्स के बारे में। अल्केन जो होती है वो कौन कौन से सोर्स से आती है। तो अगर मेजर सोर्स की बात करें, द प्रिंसिपल सोर्सेज ऑफ अल्केन्स आर नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम। पेट्रोलियम की जब रिफाइनिंग होती है या फिर जो है आपकी नेचुरल गैस का फॉर्मेशन जब होता है तो उसके अंदर ही बहुत सारे अल्केन्स का जो है फॉर्मेशन होता है, अल्केन्स हमें वहां से मिलते हैं। इसके अंदर क्या होता है, नेचुरल गैस कंटेन्स मेनली मीथेन विद स्मॉल अमाउंट ऑफ इथेन, प्रोपेन एंड ब्यूटेन। नेचुरल गैस के अंदर मीथेन की मात्रा यानी कि CH4 की मात्रा जो है ज्यादा होती है, इथेन प्रोपेन एंड ब्यूटेन की मात्रा कम होती है। तो हमारे पास हमें पता चला कि मेजर सोर्स जो है आपका अल्केन्स का वो है नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम। आज हम सीखेंगे आइसोमेरिज्म इन अल्केन्स के बारे में। अल्केन्स के अंदर जो है आइसोमेरिज्म कैसे होता है इसको समझते हैं। होता क्या है कि वो सारे कार्बन चेन्स जिसमें 3 से ज्यादा कार्बन एटम्स प्रेजेंट होते हैं वहां पर जो है आइसोमेरिज्म देखने को मिलता है। 3 से ज्यादा कार्बन आएंगे तो आइसोमेरिज्म देखने को मिलेगा, एंड उसमें भी चेन आइसोमेरिज्म हमें देखने को मिलता है। एग्जाम्पल के तौर पर इसको कंसिडर करते हैं। सबसे पहले हम जो है आइसोमेरिज्म ऑफ ब्यूटेन की बात करते हैं। ब्यूटेन का फॉर्मूला होता है C4H10। इसका अगर नॉर्मल स्ट्रक्चर बनाएंगे तो कुछ इस तरीके से बन जाएगा। तो इसको हम जो है नॉर्मल ब्यूटेन के नाम से जानते हैं। अब होगा क्या कि एक जो कार्बन है वो इस चेन से निकल के दूसरी चेन में घुस जाए तो वहां पर क्या हो जाएगा, वो स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का हो जाएगा। 3 कार्बन की चेन हो गई और एक जो है सब्स्टिट्यूट हो गया। इसको हम जो है आइसोब्यूटेन के नाम से जानेंगे। तो ये दोनों का जो है स्ट्रक्चर मॉलिकुलर फॉर्मूला सेम हो गया लेकिन स्ट्रक्चर जो है अंतर हो गए, तो यहां पर ये आइसोमेरिज्म की प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं। अगर हम इसका नाम की बात करें तो इसका नेमिंग करेंगे तो यहां पर नंबरिंग करनी पड़ेगी 1, 2, 3। तो ये हो जाएगा 2-methyl-butane, 2-methyl-propane इसका ये नाम हो जाएगा। अगला आइसोमेरिज्म का एग्जांपल देखते हैं। अगला एग्जांपल है आइसोमेरिज्म ऑफ पेंटेन C5H12। तो इसमें भी 3 से ज्यादा कार्बन एटम्स है, इसका मतलब यहां पर भी आइसोमेरिज्म देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले इसका नॉर्मल चेन बनेगी इस तरीके से, तो इसका नाम जो है पेंटेन हो जाएगा। अब क्या होगा कि एक जो है सी निकल के यहां पर ब्रांच का फॉर्मेशन करेगा इस तरीके से, तो इस टाइप का स्ट्रक्चर बन जाएगा, ये हो जाएगा आइसोपेंटेन। अगर इसके नेम की बात की जाए तो नंबरिंग कर देंगे 1, 2, 3, 4, तो 2-methyl-butane हो जाएगा इसका नाम। नेक्स्ट की बात करें, अब यहां पर जो है 4 कार्बन एटम चेन्स में है तो फिर से एक जो है ब्रांचिंग के लिए चला जाएगा, तो ये 3 कार्बन की चेन एंड 2 ब्रांच हो जाएंगे। इसको नियोपेंटेन के नाम से जाना जाता है। इन तीनों के तीनों में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट है, तो यहाँ पेंटेन में जो है आइसोमेरिज्म देखने को मिलता है। अगर इसके नाम की बात की जाए तो नंबरिंग करनी पड़ेगी 1, 2, 3, तो 2-2-dimethyl ये हो जाएगा प्रोपेन।
तो ये हो गए आइसोमेरिज्म एंड अल्केन्स।